माफी देंगे, मैं जरा बैठ के ही बोलूंगा, काफी टेम्परेचर था। पिछली मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुआ था कि बैरियर लगाया जाएगा, बैरियर आपके सामने लगा हुआ है। जो सोलंकी जी के साथ एक जमीन का टुकड़ा हमें खाली मिला था, उसका हमने सौंदर्यकरण किया है, और जो जिम की मशीन ओपन जिम हमने लगाना था उसके लिए हमने MDDA से आग्रह किया हुआ है, और वो बहुत जल्दी उस काम को करेंगे। लेकिन वो पार्क हमने बड़ा खूबसूरत बनाया है, उसको आप देखिए। और ये KP सिंह जी के सामने जो पार्क है, इसमें कम से कम हमने 5 या 6 ट्रक मट्टी भरवा दी इसमें, और गार्ड जो है रात को सीढ़ी बनाई जाए। रहा कम्युनिटी हॉल के बारे में, तो कम्युनिटी हॉल के बारे में ये एक जानकारी दे रही है कि पहले हम ये सोच रहे थे कि जो हमारे पास पार्क है 4 नंबर और 3 नंबर, इसमें से किसी जगह हम कम्युनिटी हॉल बना लें। लेकिन जब हमने एक आर्किटेक्ट को बुलाया, जो अग्रवाल साहब के भतीजे हैं हमारे, तो उसने कहा कि आप किसी भी पार्क में कम्युनिटी हॉल नहीं बना, तो इसलिए वो बात अब कैंसिल हो गई है। कम्युनिटी हॉल हम कहीं नहीं बना सकते इस चीज़ को, इसको ही थोड़ा विस्तार करते हैं अगर, तो आगे की ज़मीन हमारी पूरी कमर्शियल है। अगर कभी हम चाहेंगे आने वाले समय में, हम इसको ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, ना इसकी खूबसूरती को ख़राब करना चाह रहे थे, जो है खूबसूरत बनी है, इसलिए वो अभी नहीं संभव हो पाया हमारे लिए। इस साल जो हमने हमेशा ही तरह कैंप लगाते हैं, अब यहाँ पर कई कैंप हमने भी लगाए यहाँ इस बार भी, जिसमें से टाटा वन एमजी के द्वारा हमने ब्लड टेस्ट कैंप लगाया, एक आई कैंप लगाया इसमें, और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को हमने यहाँ बुलाया, जो यहाँ पर जिसने हड्डियों का वो देखा है। अभी हमारी एक हॉस्पिटल से बात चल रही है, जिसमें गायनिस की जो डॉक्टर हैं और नेचुरोपैथी है वाले हैं, वो बहुत जल्दी यहाँ पर एक शिविर अपना रखते हैं, तो सारा का सारा फ्री होगा। साथियों, 15 अगस्त और 26 जनवरी को सेलिब्रेशन करते हैं, और ये हमारे प्रधान जी का ये आग्रह था कि हम जो उसमें चीफ गेस्ट हैं, वो हम अपने हर अपनी कॉलोनी का ही किसी बुजुर्ग को जो सबसे सीनियर हो उसे बनाते हैं, हर बार बदल बदल के। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्राम हमने किए यहाँ। दशहरे का प्रोग्राम बहुत बढ़िया किया, बच्चों ने रावण बनाया है वहाँ पर, और दशहरे वाले दिन हम यहाँ भंडारा करते हैं, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना जो स्थापना हुई थी दशहरे वाले दिन ही, तो उसी परम्परा को कायम रखते हुए एक बहुत बड़ा यहाँ पर हम भंडारे का भी आयोजन किया। लोहड़ी का प्रोग्राम, होली का प्रोग्राम यहाँ पर हम करते हैं, जन्माष्टमी का प्रोग्राम करते हैं, छठी पर कड़ी चावल का भंडारा करते हैं यहाँ पर। इससे हमारी कॉलोनी में बहुत ही उत्साह रहता है, रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम हम करते हैं, इस तरीके से आपस में मेलजोल बढ़ा रहे हैं। तो PNB कॉलोनी का जो नाम है, वो एक परिवार की तरह हम लोग उस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस साल जो हमने कार्य किए, तो नदी के साथ जो जमीन थी उसको हमने डेवलप किया है, दूसरी घास लगाई है इसमें, इसमें सैर कर सकें। यहाँ पर बेंचें लगाई हैं हमने, लोग यहाँ पर सब्जियों में यहाँ आके बैठे, क्योंकि जो अल्का अनुपम वाली लाइन है, इनमें कहीं पर भी कोई धूप नहीं आती शायद इसके घर, उसके लिए हमने वो पार्क में बेंचें बना दिए। उस पार्क में आइए आप, धूप का आनंद लीजिए सब्जियों में। नहीं तो मैंने अक्सर वहाँ के लोगों को, खासकर गाबा जी को, और मैंने देखा उनके मिस्टर को भी धूप में अपने घर के बाहर सड़क पर खड़े, तो उन्हें समस्या को हल करने के लिए हमने ये एक वायर ये निकाला कि उस पार्क में आप बैठिए, और बड़ा खूबसूरत पार्क बनाया उसे आप। MDDA ने जो हमने प्रस्तावित था, इसमें प्राची मैडम ने बड़ा सहयोग दिया, और वहाँ पर हमने पार्क बनाया है। अभी हमें हैंडओवर नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कुछ डिस्प्यूट हो गया था उनमें आपस में, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया है, लेकिन 16 लाइटें लग गई हैं, वॉकिंग पार्क बन गया है उसके अंदर, और आने वाले समय में बहुत बढ़िया वो अपना एक रूप लेगा, ऐसे हमें आने। इस लीकेज एंट्री के सामने जो पार्क है, इससे भी हमने 6 ट्रक मिट्टी लगवाई है, और MDDA के सौजन्य से उसमें छोटे बच्चों के लिए
झूले लग रहे हैं, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। साथियों, इसमें डेंगू बहुत फैला था, हमने समय समय पर नगर पालिका से बात करके, एमडीडीए से बात करके, यहाँ पर जो पार्षद है उनसे बात करके यहाँ पर कई बार फॉगिंग कराई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है, इसमें जो पार्षद ने हमें बड़ा सहयोग दिया, कई कट्टे हमें भेजा आपने जो हमें यहाँ छिड़काव किया। एमडीडीए के द्वारा हमने यहाँ पर सड़कों की रिपेयरिंग कराने, कई जो पैचेस हो गए थे बड़े बड़े ट्रकों की वजह से, वो सारे के सारे हमने उसको रिपेयर कराए हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इसको सड़कें नहीं बन जाए, तो लगा सड़कों में नहीं था, अभी बजट नहीं है, आप इसको पैच पर करा दो, लेकिन वो हमारी माल अभी रहे वहाँ पर, क्योंकि इसको साथ साथ पूरा होने पर नहीं सड़क। सड़कों और नालियों की सफाई के लिए हमने एक स्वीपर को रखा हुआ है, सुबह 15 बजे से आता है और पूरी सड़कें भी साफ करता है और नालियां भी साफ। बिजली के बोर्ड में आप देखिए, अभी रात को कभी आप देखिए जो दिल्ली से आए हुए लोग हमारे साथ, और इसमें जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट से जहाँ पर लाइट का होता है कि एक जगह लाइट ना पड़े, तो हमने कई पोल में दो दो लाइटें भी लगाई है, एलईडी लाइट लगी है सारी, जिससे बहुत सुंदर बहुत जो है लाइट लगी होता हो। बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया है यहाँ पर, पानी की बात कॉलोनी में कई जून के महीने में पूरे देश में पानी की दिक्कत होती है, लेकिन हमारी कॉलोनी में कभी दिक्कत नहीं हुई है, भरपूर ये गुप्ता जी का उनके टीम का धन्यवाद, जो उनके पहले सेक्रेटरी थे, इन्होंने पानी का ट्यूबवेल लगवा के दिया हुआ है और हम जो है उसकी सुचारू व्यवस्था करते हैं, खराब हो जाए तब ठीक करवाते हैं, पाइपलाइन फट जाए तब कराते हैं, लेकिन पानी कभी भी कोई नहीं कह सकता कि एक दिन भी पानी की कमी दिक्कत, कोई भी नहीं कह सकता है। मोतीराम जी हमारे अंदर के सेक्रेटरी है, इन्होंने पूरी मेहनत करके हमारी टीम का ये हिस्सा है और पूरी टाइस लगाई है, लाल टाइस पूरी कैसे भी टाइस लगी और ऊपर सीढ़ियों के अंदर एक लगाया है, इसका एक बहुत ही भव्य लुक आया है, ये सारा हमने अपने मंदिर फंड से लिया है, किसी से हम कोई चंदा नहीं लेते, ना भंडारे का ना हमने किसी टाइप का, ये सिर्फ जो हमारे फंड क्रिएट किए हुए हैं या दान पात्र से आते हैं या और किसी तरीके से पैसा आता है किसी के प्लॉट लेने पर, तो उस पैसे से ही सारा इसका निर्माण है। पराग जैन जी का धन्यवाद है, हमारा बोर्ड लग चमचमा रहा है, राज्य पे चमक रही है, ये पराग जैन जी का सही सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने जो है बड़ी बोर्ड जो है लाइट पे चमक रहा है, तो इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, सुजीता जी का भी और पराग जैन जी का, फोटो नहीं ले रहा, फोटो बोले तो हमारे काम है ना, फोटो करो जो हमने पिछले साल है।